हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड फिर से आपका स्वागत है मेरे ट्यूब चैनल पे। तो फाइनली गाइस आ चुका है गेम फॉर पीस का 1.27 वर्जन। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे 1.26 वर्जन चल रहा है और फाइनली मैं यहाँ पे गेम को अपडेट कर रहा हूँ। और ये जो मैं अपडेट मेथड यूज कर रहा हूँ ये है इन गेम अपडेट मेथड। देखो यार, दोनों तरीके से आप गेम को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पे गेम को इन गेम भी अपडेट कर सकते हो और यहाँ पे अगर आप चाहो तो नए तरीके से भी गेम को अगर डाउनलोड करना है, पहली बार करना है या फिर आप को उसको इंस्टॉल करना है डायरेक्ट 1.27 वर्जन, तो वो भी आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इन गेम अपडेट करने के लिए सिंपली अगर आपके पास ओल्डर वर्जन आप अपने फोन में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो सिंपली आपको गेम को ओपन करना है वीपीएन कनेक्ट करके और आपके पास भी कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें सबसे पहले 958 MB का जो भी स्टार्टिंग में जो भी जितना भी हो 900 something MB का एक अपडेट देखने को मिलेगा। और सेकेंड थिंग आप लोग को देखने को मिलेगा इसके बाद अपडेट करने के बाद फिर ये गेम को अपडेट करने के लिए इस तरीके का सेटअप, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो स्टेजिंग ऐप होगा, देन गेम को अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। सिंपली यहाँ पे हम गेम को अपडेट करेंगे। गेम को अपडेट करने के बाद इन गेम अपडेट्स के अंदर जो फाइलें वगैरह ऐड होंगी वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, वो कैसे चल रहा है वो पूरा प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन आपको अगर करना है नई तरीके से गेम को, अपने पहली बार खेल रहे हो, नई तरीके से डायरेक्ट इस वर्जन को इंस्टॉल करना है, तो वो सेकंड मेथड भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। साइड स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सिंपली इस तरीके से आप लोग गेम फॉर पीस सर्च करो गूगल में अपने, देन वहाँ पे आप लोग को सिंपली क्या करना है, कुछ इस तरीके के स्टेप फॉलो करने हैं। अप टू डाउन वेबसाइट देखने को मिलेगा जिसमें 1.27 वर्जन इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अगर ये वर्जन आप लोग को वहाँ नहीं चाहिए डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें और भी अवेलेबल करा दी जाती हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आप इसको अपडेट कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, सब कर लोगे। जितने ओल्डर जो मेरे कस्टमर हैं उन लोग को पता है गेम फॉर पीस खेलने के लिए आप लोगों को क्यूक्यू वीचैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। इस टाइम पे वीचैट थोड़ा सा मुश्किल है बट मैंने प्रोसीजर दोनों का बताया है, क्यूक्यू भी कैसे बनाना है, वीचैट भी कैसे बनाना है, ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों से वो चीज नहीं आ रही है, आपके पास क्यूक्यू अकाउंट नहीं है, तो फिर आप लोग सिंपली एक चीज कर सकते हो, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है यहां मैसेज करके आप पेड जो है क्यूक्यू अकाउंट परचेस करा सकते हैं जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अब फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गेम यहाँ पे स्टेजिंग ऐप पे चला गया है। बीच में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मेमोरीज, भाई ये गेम इतना ज़्यादा डेटा, मतलब डेटा बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्टोरेज लेता है कि लो डिवाइस में तो आप इसको खेल ही नहीं पाओगे। बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है लो डिवाइस में इसको प्ले करना। तो फाइनली हमारा गेम यहाँ पे ओल्ड अप टू डेट हो चुका है। यहाँ पे ऊपर वर्जन चेक कर सकते हो, 1.27 वर्जन यहाँ पे हो चुका है। तो फाइनली ये हमने इन गेम मेथड के थ्रू ये चीज कर ली। अब जैसे ही मैंने यहां पे किया तो सबसे पहले यहां पे देखो 99 MB का एक अपडेट आया जो कि हमारा अपडेट करने के बाद, गेम को अपडेट करने के बाद इन गेम स्टोरेज और इतना ले रहा है। ठीक है, बाकी आप जो APK उठाओगे अगर आप टेलीग्राम से उठाते हो तो वो 1.93 GB का समथिंग का APK है, वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हमको क्या कहलाता है, इन गेम अपडेट में 99 MB का एक अपडेट देखने को मिलेगा जो कि हम फटाफट से कर लेंगे। इसके बाद आपको एक और अपडेट देखने को मिलेगा जो अराउंड होने वाला है 1.1 GB के समथिंग। तो आप खुद ही देख लो कितने ज़्यादा हम लोग का जो है स्टोरेज वगैरह इसके अंदर लगने वाला है। तो लो डिवाइस की बात करें तो ये बहुत दिक्कत है भाई, अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है, तगड़ा डिवाइस है, 256 something स्टोरेज वगैरह है, तो ही आप इस चीज़ को खेलने का ट्राई करना या फिर इंस्टॉल करने का ट्राई करना, क्योंकि इसमें डेटा भी बहुत लगेगा और स्टोरेज भी। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास क्यूक्यू या वीचैट अकाउंट ऑलरेडी होना चाहिए तभी इस चीज़ को एक बार करने की सोचना, नहीं तो आपका डेटा भी बर्बाद, सब बर्बाद, फिर आप बोलोगे कि क्या कहलाता है मैंने तो ये गलती कर दी, क्योंकि भाई उसके बाद आपके पास लॉगिन मेथड ही नहीं है। तो वो मैंने बताया है अगर आपको पेड चाहिए क्यूक्यू तो वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे देखो अपडेट के साथ लॉबी वगैरह थीम वगैरह चेंजेस हो गए हैं, बाकी गेम के अंदर तो अभी कुछ ऐसा एड ऑन नहीं हुआ है, मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था गेम के अंदर क्या है क्या नहीं है। बाकी एक नया मैप देखने को मिल रहा है इस गेम के अंदर, तो वो जैसी मेरी स्टेज यहाँ पे इंक्रीज होगी तो वो अपने आप लॉक ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो सिंपल सा फंडा है उसका, बाकी गेम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैंने दोनों मेथड्स बता दिए हैं आप लोग को कि कैसे क्या आप लोग को अपडेट करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो इस वीडियो में बस यही क्लियर करना था। 1.27 वर्जन आ चुका है गेम फॉर पीस का और इनके जो ग्राफिक्स रहते हैं वो आप लोग को पता है, इनकी जो चीज़ें रहती हैं क्रिएट्स वगैरह रहते हैं वो एक लेवल नहीं, दो लेवल नहीं, 10 times लेवल अप रहते हैं अपने, चाहे ग्लोबल की बात कर लो चाहे
है BGMI की बात कर लो, ठीक है। तो ओवरऑल यही है, बाकी जिनको गेम फॉर पीस खेलना है तो बाकी चैनल पे वीडियोस वगैरह ऑलरेडी बहुत सारे दिए हुए हैं मैंने कि गेम फॉर पीस को कैसे क्या आप लॉगिन कर सकते हो, वीचैट, यूट्यूब, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जिनको भी अपडेट करना है चाहिए फटाफट से अपडेट कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ अपडेट आ चुका है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जो खेलते हैं उनको बस पता होगा कि अपडेट, क्योंकि इन गेम उनके में भी शो हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।